भिड़े, ओ भिड़े। अरे भाई भिड़े मास्टर। ओ पिड़ू, ओ बाहर निकल यार। सब क्यों चिल्ला रहे? बोलो। कमाल है भाई, वो भिड़े। हम सब यहाँ टेंशन में खड़े और तू आराम से चाय पी रहा। हाँ। अरे लेकिन हुआ क्या? क्या हुआ? अरे भाई पानी चला गया है। है? पानी चला गया? हाँ। जरा बग। ये ऐसे कैसे पानी जा सकता है लेकिन? ओ पिड़ू, और तूने पानी बंद किया है क्या? अरे नहीं नहीं सोड़ी, मैं क्यों पानी बंद करूंगा? मैंने पानी बंद नहीं किया है भाई। तो ये अब्दुल को पता होगा। हाँ। नहीं नहीं उसे भी नहीं पता होगा, क्योंकि वो तो मार्केट गया, उसका फोन आया था मुझे। सुबह सुबह पानी कैसे चला गया? ये तो गलत बात है भाई भिड़े मास्टर। देखो क्या हाल हो रखा है, मुझे भूख भी लगी है। हाँ भिड़े भाई, अचानक पानी कैसे बंद हो सकता है? तारक तो आधे नहाए हुए बाथरूम में बैठे और कब से चिल्ला रहे हैं। हमारे घर में भी पानी नहीं आ रहा है। हा? देखो सवारे कितलू काम हुए, मैं किचन नु बड्डू काम एमनु एमच है। क्या सोनी है? और सुना पिड़ू, क्या सवेरे सवेरे कितलू काम हुए छे? किचन ना बड्डा काम पड़ू छे। ओ मानो एक गल दस, पानी चला क्यों गया? हाँ भाई, ये पानी के बिना सबकी दुनिया हिल गई है। आ? सही बात है। आत्मराम, अरे तुमको पानी का टंकी भर कर रखना चाहिए था ना। हाँ। अरे अय्यर, पानी की टंकी तो भरी हुई है। तो फिर पानी क्यों नहीं आ रहा है? नहीं पता नहीं मुझे। पता नहीं? अरे क्या पता नहीं भाई, तू ऐसे गैर जिम्मेदारों जवाब कैसे दे सकता है? तुझे पता होना चाहिए। ओ करेक्ट है पिड़ू, तू हमारी गोकुलधाम सोसाइटी का एक मेन सेक्रेटरी है, तेरे को सब पता होना चाहिए। शांत रहिए आप सब लोग, टेंशन मत लीजिए, मैं पता लगाता हूँ पानी क्यों चला गया है। दो मिनट में पता चल जाएगा, मैं जाता हूँ टेरेस पे अभी। जल्दी। थैंक यू पिड़े भाई। दो मिनट में पानी आया तो अच्छा है, अभी लड़की वाले आ जाए मुझे देखने के लिए तो क्या सोचेंगे कि मैं वो ऐसी सोसाइटी में रहता हूँ जहाँ कभी टाइम पे पानी नहीं आता। अरे भाई अब सुबह सुबह पानी चला जाता है तो सारे काम अटक जाते हैं। ये अचानक पानी कैसे चला गया? ये क्या कर रहा है जेठे? वही बापू जी, जो तय हुआ था वो पाइप में तार डाल के कचरा साफ करने की कोशिश कर रहा हूँ। निकला कचरा? निकला नहीं बापू जी, तार पाइप में फंस गया। एक काम भी तुझसे ठीक से नहीं होता ना जेठिया। मैं क्या करूँ बापू जी, मेरी तकदीर ही ऐसी है। मैं सब काम पूरी लगन से निष्ठा से अच्छी तरह से करना चाहता हूँ, लेकिन कोई ना कोई गड़बड़ हो ही जाती है बापू जी। तू बाजू हट, मैं करता हूँ। नहीं अरे नहीं नहीं बापू जी, आपका नाटक चालू हो जाएगा, मैं कर लूंगा। अरे मेरे नाटक को भी बहुत देर है, मैं जल्दी तैयार हो गया था। तू खस ले, मैं करता हूँ, खस, मैं करता हूँ। हाँ तो खड़ा रहे। अरे कमाल है, ये सारे वॉल किसने बंद कर दिए? क्या बताऊं बेटा, हमारा बाथरूम का नल है ना, उसमें पानी दो तीन दिन से बहुत एकदम धीमे धीमे आ रहा है। ओहो, ये जेठालाल भी ना अपने घर का पाइप साफ करने के चक्कर में सोसाइटी के सभी वॉल बंद कर दिए। कठिन यहां मानुस। तार तूने मालिए पे रखा था, ऐसा कोई तार होता है? एक काम भी तुझसे ठीक से नहीं होता। अरे तेरे इसका वाल भी तूने ठीक से बंद नहीं किया। अरे बाबूजी मैंने बंद किया था, एक क्या जितने वाल थे सब बंद कर दिए थे मैंने। अरे तो ये पानी कहाँ से आ रहा है? हिमालय के गोष्ठ से। Huh.
किसी ने वाल फिर से चालू कर दिया है। चालू किया? तो मुझे क्या पता? अरे तो पता लगा। आयो आयो पानी आयो। आ गया? हाँ पानी आ गया। आदि भाई पानी आ गया, अभी दाढ़ी कर लो आप। हाँ कर लेता हूँ, लेकिन भिड़े मास्टर ये पानी बंद क्यों हुआ था? हाँ। अरे ये जेठालाल ने टेरेस पे जाके सबके वॉल बंद कर दिए थे। अरे किसने पानी चालू कर दिया? अरे इंसान जैसे कोई चीज है कि नहीं? हम तीनों भीग गए। अरे भाई पहले तुम बताओ, टेरेस पर वाल तुमने बंद किया थे? हाँ मैंने बंद किया था। ये भीड़ो का मैंने बताया कि हमारे बाथरूम के नल में वो पानी धीमे धीमे आ रहा, तो उसने मुझे आइडिया दिया था। जेठालाल मैंने तुम्हें वॉल बंद करने का आइडिया नहीं दिया था, प्लम्बर को बुलाने का आइडिया दिया था। अरे भाई प्लम्बर आता है तो पाइप साफ करने के लिए वॉल तो बंद करता ही ना। लेकिन जेठालाल तुमको वॉल्व बंद करना था तो पहले इन्फॉर्म करना था। हाँ, पर भाई सुबह सुबह कितने काम होते, अभी कपड़े धोने भी बाकी, और मुझे तो सारे काम खुद करने पड़ते हैं। बापूजी सही बात है, और मैंने तो शेविंग शुरू ही की थी कि पानी चला गया, और अभी मेरा नाश्ता भी बाकी है। पता है जीता भाई, तारक तो नहाने बैठे थे और अचानक पानी चला गया। अरे बाप रे। सॉरी सॉरी अंजलि भाभी, मैंने सिर्फ थोड़ी देर के लिए वाल बंद किए थे, के नीचे आके वो नल खोल के पाइप साफ करके वापस वाल चालू कर दूंगा। अभी तो हमने नल खोला और पाइप साफ करने जा रहे थे, इतने पानी चालू हो गया और हम सब भीग गए। देखो अरे 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 किसने चालू किया ये वाल? पिड़ू ने। अरे भिड़े, जब तूने वाल बंद देखा था समझ जाना चाहिए था ना कि मेरे घर में वो पाइप का काम चल रहा है। भाई देख देख, तेरी वजह से बापूजी का जुकाम हो गया। सॉरी सॉरी, गॉड ब्लेस यू चाचा जी, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई, सॉरी सॉरी। चाचा जी मैं अभी आपको दवाई देता हूँ, आपका जुकाम ठीक हो जाएगा। हाँ वो भी ठीक। लेकिन अगर वॉल की लाइन ही बंद करनी थी तो अपनी लाइन बंद करनी थी, सबकी लाइनें क्यों बंद कर दी यार? सही बात है। अरे भाई मेरे घर में कौन से वाल की लाइन आ रही है मुझे पता नहीं था, इसलिए मैंने सब वाल बंद कर दिए। ओहो भाई आप अब्दुल को बोल देते, वो कर देता। अति भाई मैंने अब्दुल को फोन किया था लेकिन वो बेचारा मार्केट में खरीदी करने गया है। अब्दुल तो मैंने फोन किया तो मुझे बोलता है मार्केट में हूँ, खरीदी कर रहा हूँ, और तू तो इधर है भाई। अरे जेठा भाई जब आपने फोन किया था तब मैं मार्केट में ही था, अभी अभी मार्केट से ही आ रहा हूँ। चल भाई कोई बात नहीं, अभी आ गया था, जरा टेरेस पर जाके वो हमारे घर में जो लाइन आती है उसका वॉल बंद कर देना भाई प्लीज। हाँ हाँ अभी कर देता हूँ। थैंक यू थैंक यू। हाँ अब्दुल तुझे मालूम है ना वॉल कौन सा है जेठालाल का? हाँ भिड़े भाई मुझे पता है। सॉरी आप सबको हमारी वजह से जो कुछ भी तकलीफ हुई उसके लिए माफी चाहती हूँ। और बापू जी आप कपड़े बदल लीजिए, आपको नाटक देखने जाना है ना, देर हो रही होगी। अरे क्या नहा लीजिए, देखा नहीं कितना पानी उड़ा मेरे ऊपर, एक साथ एक हफ्ते का नहा लिया मैंने। चलो जड़े भाई चलता हूँ। अरे वो अब्दुल हो गया नल का फिटिंग? हाँ ठीक हो गया। बैठ बैठ चाय पीते। नहीं नहीं जड़े भाई। अरे नहीं नहीं क्या बैठ तू भी यार, बैठ बैठ यार। अरे दया आई आई आई। हाँ चाय ला चाय ला अब्दुल के लिए। अब्दुल भाई ले लीजिए अब्दुल भाई। तो नल फिट हो गया ना? हाँ दया भाभी, तार जहाँ तक पहुँचा वहाँ तक पाइप मैंने साफ कर दिया और फिर मैंने नल फिट कर दिया। जीते भाई लेकिन पानी अभी भी स्लो ही आ रहा है, लगता है पाइप में जंग लग गया है। पूरा पाइपलाइन चेंज करोगे तो ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ले बोल, सुबह से पानी के लिए इतना सर्कस किया फिर भी पानी तो अभी भी स्लो ही आ रहा है। अरे ये क्या अब्दुल भाई, इतनी गर्म चाय आप एक ही घूंट में पी गए? दया भाभी मुझे एकदम गर्म चाय पीने की आदत है।
चलो जड़े भाई मैं चलता हूँ। ओके ओके थैंक यू अब्दुल भाई थैंक यू। और जड़े भाई हाँ वो पाइपलाइन जरूर चेंज करा देना। हाँ वो तो ठीक है मैं करा लूँ। हाँ ओके। अरे हेलो हाँ राव जी काका बोलिए। नहीं बापू जी अभी 5 मिनट में निकलेंगे। हाँ नहीं नहीं नाटक शुरू होने से पहले पहुंच जाएंगे। हाँ ओके ओके। हाँ अचानक काकरी कहाँ से आ गई। क्या हुआ? अरे अरे टुकुकी पापा ये क्या हो गया? पता नहीं मैं सोफे पे बैठा तो पाया टूट गया इसका। अरे क्या हुआ बापूजी? टुकुकी पापा ने सोफे के 4 पाए में से 2 पाए तोड़ दिए। क्यों? अरे तोड़ दिया मतलब जानबूझ के हथौड़ी लेके ऐसे थोड़ी तोड़े। मैं बापूजी सोफे पे बैठा तो अपने आप वो 2 पाए टूट गए। अरे लेकिन ऐसे कैसे बैठा कि पाए टूट गए? जैसे बैठते वैसे बैठा। जैसे देखो ये मैं खड़ा हूँ और ऐसा बैठा तो टूट गया। मुझे लगता है बापूजी ये सोफा अभी पुराना हो गया इसलिए उसके पाए टूट गए। बापूजी कहाँ गए? शायद नया सोफा लेने के लिए। पर वो तो नाटक देखने जाने वाले थे ना। घर में नल का सोफा का नाटक बंद हो तब बेचारे बाहर नाटक देखने के लिए जाए ना। जेठिया ये सोफा उठा। बाबूजी सोफा उठा के कहाँ लेके जाएंगे? उससे अच्छा मैं मिस्त्री का उठा के लेके आता हूँ ना। है मेरा मतलब मैं मिस्त्री को ले आता हूँ यही रिपेयरिंग कर देगा। अरे सोफा उठा के कहीं ले नहीं जाना है यहीं पे खड़े खड़े सोफा उठा। क्यों? अरे बोला उठना करने भाई बाजू रहना दया। हाँ थोड़ा हाथ लग बहू रहने दो तू रहने तो उठा उठा। अरे उठा ले भाई। अभी वहां से ऊपर पकड़ के रखना है ये तो ऊपर। अरे तू रुक पकड़ के रख बराबर। थोड़ा उठा छोड़ दे चल फिलहाल तो काम चल जाएगा बाद में हम लोग मिस्त्री को बुला। अरे एक बार चेकिंग करके देख लेना कि कर ले। चल चल चेक कर। हो गया ना बराबर। ये महाराज खड़े हो जाओ। अच्छा चल फिलहाल तो काम चल जाएगा बाद में मिस्त्री को बुलवा के रिपेयर करवा दे। हाँ हाँ बापू जी। अरे अब जरा संभल के बैठना। हाँ नहीं नहीं एक काम करेंगे बापू जी एक इधर रस्सी इधर बांध के इधर कर देते क्या रस्सी पकड़ के ही बैठने का और रस्सी पकड़ के ऐसे उठने का। मजाक मजाक कर रहा हूँ बापू जी। चलो अभी मैं नाटक देखने जा रहा हूँ मुझे देर हो रही है। अच्छा कर दिया नहीं बापूजी ने। टपुकी पापा मैं क्या कहती हूँ सोफे के साथ साथ ये डाइनिंग टेबल है ना इसको भी ठीक करा लेते हैं। क्यों इसको क्या हुआ है? अरे क्या कुछ नहीं हुआ देखिए कितना हिल रहा है। अरे 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 बस बस अरे तोड़ देगी क्या? ठीक है भाई ठीक है करवा लेंगे। टपुकी पापा ये टूटा हुआ सोफा बिगड़ी हुई पाइपलाइन और ये हिलता हुआ डाइनिंग टेबल को देखकर आपको ऐसा नहीं लगता कि पूरे घर में रिपेयरिंग की जरूरत है? हाँ लगता तो है लेकिन अभी सब कैसे करा सकते हैं? क्यों? अरे टप्पू के कॉलेज अभी शुरू हुई है फिर अभी एक के बाद एक त्योहार आएंगे तो मुझे दुकान के काम में ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे में घर में उखेड़ माड़ो करके कैसे बैठ सकते हैं? एक बार थोड़ा फ्री हो जाना दे फिर एक साथ घर में सब काम करवा लेंगे। ठीक है हुँ? चलो जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अच्छा हो गया बस कर दिया बापू जी ने। अरे बाप रे बहुत लेट हो गया। अरे बेचारे मेहता साहब
आज मेरी वजह से बाथरूम में नहाते नहाते साबुन के साथ अटक गए, उनका सॉरी बोल देता हूँ। वैसे भी लेट तो हो ही गया है, 2 मिनट और लेट चल जाएगा। देखती हूँ। अरे जेठा भाई आइए आइए। हाँ है हमारे फायर ब्रिगेडियर साहब। अरे यहाँ नजर नहीं आ रहे क्या? आओ भाई आओ जेठालाल। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अरे क्या गुड मॉर्निंग मेहता साहब, मेरी लाइफ में गुड मॉर्निंग कभी होती ही नहीं है। क्यों? मेरी लाइफ क्या सिक्के जैसी है, जिसकी एक तरफ है मेरा परिवार, आप दोनों, दुकान, गोकुलधाम सोसाइटी, मतलब खुशियां ही खुशियां, और दूसरी तरफ सब तकलीफ है, टेंशन, मुसीबतें, सुंदर, ये सब मगजमारी। जेठालाल हालात ने तुम्हें फिलोसोफर बना दिया। अरे सोफर से याद आया, हालात ने तो हमारे घर का सोफा भी तोड़ दिया है। खैर ये सब छोड़िए, खास तो मैं आपको यहाँ सॉरी बोलने आया हूँ मेहता साहब, मेरी वजह से आप बाथरूम में आधे नहाए अटक गए थे, सॉरी। भाई जेठालाल कमाल करते हो भाई तुम, सॉरी किसे कहा जाता है? वो जो नाराज हो या वो जो पराया हो। भाई ना तो मैं नाराज हूँ ना पराया हूँ, और मुझे सॉरी बोलने की क्या जरूरत है भाई? दोस्त भी कहते हो और सॉरी भी बोलते हो। चलो फिर दूसरी बात करो। दूसरी बात में था मेहता साहब, अगर आपको ये सब साफ सफाई करनी थी तो फिर आप नहाए क्यों? मतलब साफ सफाई करने के बाद नहाते ना? आदत है भाई, क्या करूं, बचपन से ही आदत है, सबसे पहले नहाओ फिर बाकी सब काम करो। हाँ जेठा भाई, तारक को नहाने की इतनी आदत है कि होली के दिन पहले नहाते, फिर होली खेलने जाते, फिर आके नहाते। बढ़िया बढ़िया आदत है मेहता साहब। चालू रखो ये अभियान। भाई मूलते अभियान तो कोई दूसरा था जेठालाल, चाहता तो आर्टिकल लिखना था, पर ये है ना अंजलि देवी जी बोले नहीं बुक शेल्फ साफ करनी है, करो, तो मजदूरी कर रहे हैं मजबूरी में। एक मिनट जेठा भाई, आप ही बताइए पति को पत्नी के हर काम में मदद करनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल करनी चाहिए। चलो रखिए ये अभियान, मैं करता हूँ प्रस्थान। चलो अंजलि भाभी। तारक ये देखिए दीमक। हाँ दीमक की अंजलि, लेकिन इतना हाइपर क्यों हो रही हो? कर देते हैं अभी साफ। ओह माय गॉड तारक हाइपर ना हो तो क्या हुआ आपके सर्टिफिकेट की फाइल? सर्टिफिकेट सारी मेहनत पानी फिर के सारे सर्टिफिकेट गए। ओह हो, मतलब अभी आपको फिर से परीक्षा देके नए सर्टिफिकेट लेने पड़ेंगे? नहीं ये तेरे सारे खजाने में दीमक लग गई। तारक खजाना? ये सारी किताबें किसी खजाने से कम है क्या अंजलि? ऊपर से सर्टिफिकेट पे है। नेता साहब अभी आपको ये किताब खाना नया लेना ही पड़ेगा। भाई जेठा भाई, सिर्फ किताब खाना नहीं, घर में बहुत सारी चीजें बदल कर नई लानी है। अंजलि ये नए पुराने का बाद में सोचेंगे, अभी सबसे पहले ये सारी किताबें निकालो और ये सारी फाइल्स सबसे पहले यहाँ दीमक की दवाई डाल देते हैं। पता नहीं हमारी सोसाइटी में क्या गड़बड़ चल रही है, हर किसी का घर बीमार पड़ रहा है। जेठा भाई हर घर बीमार पड़ रहा है? हाँ देखिए ना, आपके घर में दीमक लग गई, वो अय्यर भाई के बाथरूम में पानी लीकेजिंग हो रहा है, और हमारे घर के बाथरूम में पानी वो नल में धीमे धीमे आ रहा है। ये सब तो होना ही है ना जेठालाल, भाई जब से हम लोग इस सोसाइटी में रहने आए हैं, हमने बाहर से तो रिनोवेशन करा दिया सोसाइटी का, लेकिन अंदर झांक के देखा ही नहीं कि क्या चल रहा है, तो ये सब होना तो स्वाभाविक है, होगा ये सब। खैर अंजलि अभी ये बिना दीमक वाली और दीमक वाली किताबें हम थोड़ा अलग अलग कर देते हैं। हाँ ये मैं आपकी मदद कर रहा था। नहीं नहीं जेठालाल तुम्हें वैसे भी दुकान जाना है, तुम निकलो भैया मैं कर लूंगा। हाँ जेठा भाई वैसे भी आज आपको दुकान जाने में बहुत लेट हो गया है। हाँ लेट तो हो गया है, अब ठीक है चलता हूँ मैं। मेहता साहब लेकिन आप जल्द से जल्द ये दिमाग का इलाज करवा लेना, वरना आपका सारा खजाना खाक हो जाएगा। हाँ इसी हफ्ते कराऊंगा भाई, सबसे पहले प्रायोरिटी है ये। चलो चलता हूँ। ओके अंजलि भाई। आजकल त्योहारों के मौसम में एक पर एक फ्री की स्कीम बड़ा धड़ल्ले से चल रही है, ठीक उसी तरह गोकुलधाम सोसाइटी में एक के बाद एक पर एक मुसीबत की स्कीम फ्री चल रही है। भाई ये अय्यर और पोपटलाल का झगड़ा खत्म नहीं हुआ था, उसके ऊपर से जेठालाल के पानी का पंगा, और फिर मेरे घर में दीमक की समस्या। लगता है समस्याओं का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला। वैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड तो हंसने का भी बनेगा आपके घरों के अंदर, जो हम बनाएंगे। लेकिन हाँ एक विशेष बात, आज संवत्सरी क्षमापना पर्व, तो आज के इस क्षमापना पर्व पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से सभी जैन भाई बहनों को मन वचन और काया से मैं चामी दुकान। और हाँ गणेश जी का आगमन होने वाला है, तो इस गणेश उत्सव के लिए सभी बंधुओं को ढेर सारी बधाइयां। और यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी के अंदर ये समस्याओं प्रॉब्लम्स की परंपरा जारी रहेगी या नहीं,
लेकिन इतना जरूर तय है कि विघ्नहर्ता गणेश जी की कृपा से हमारे हंसने हंसाना की परंपरा जरूर जारी रहेगी। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे माधवी दरवाजा खोलो। आले आले आले, जरा धीर धरा। अरे बापरे, अरे खोलो। ओ दरवाजा खुल नहीं रहा है। अरे सोड़ी, ओ सोड़ी, ओ क्या हो गया प्रभु? अरे देखो ना भाई, ये दरवाजा खुल ही नहीं रहा है। जो बोले सो निहाल सारिया का। खुल गया दरवाजा, खुल गया।